नमस्कार प्रणाम, मैं रजनीश कुमार पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने मंच प्रैक्टिस मॉक एसएससी पर। आशा करूंगा वीडियो को आप लोग अच्छे से देख रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे, खूब मजे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, तनाव रहित पढ़ाई आप लोग कर रहे होंगे, क्योंकि आपको हर हाल में जो है इस बार सक्सेस होना है। थोड़ा सा जो है डिस्टर्ब हुआ उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया प्यारे बच्चों, आप लोगों को तनाव रहित पढ़ाई करनी है, टेंशन फ्री पढ़ाई करनी है। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एडिशनल पार्ट लेकर आया हूँ करंट अफेयर्स का, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि हाल ही में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को जो है मतलब निलंबित कर दिया गया है, मतलब क्या कर दिया गया है, एक तरह से सस्पेंड यानी कि बर्खास्त कर दिया गया है विश्व मंच पे, वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे। किसने किया? वो किया यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने। ठीक है, अभी आप लोगों ने देखा होगा ब्रजभूषण सिंह का जो केस चल रहा था, एक कहीं ना कहीं वो भी एक कारण रहा। दूसरा कारण रहा कि इसके जो अध्यक्ष की जो चुनावों में जो देरी हो रही थी, ठीक है, उसको लेकर भी जो है यूनाइटेड रेसलिंग वर्ल्ड रेसलिंग जो है नाराज था, इसलिए जो है बर्खास्त कर दिया गया है। तो याद रखेंगे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को क्या कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। किसने करा सस्पेंड? यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने। और इसका जो है मेन कारण उन्होंने बताया है कि चुनावों में हो रही देरी का। तो इससे क्या होगा, इसको जो है सस्पेंड करने से क्या फर्क पड़ेगा? इसका फर्क ये पड़ेगा कि वहां पर जो है मतलब जो खेल का जो क्षेत्र होगा, स्थल होगा, एरिया होगा, वहां पर जो है भारत का राष्ट्रगान नहीं होगा और जो है तिरंगे के साथ जो है वो लोग नहीं खेल पाएंगे और वो लोग जो है न्यूट्रल खेलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो है हमारे लिए एक तरह से दुख की बात है। तो इस पे जो है मतलब गवर्नमेंट देख रही है, वर्क कर रही है, तो आई होप सारी चीजें अच्छी होंगी। हाल ही में एशियन गेम्स 2023 जो कि चर्चा में है, एशियंस गेम 2023 स्टार्ट होने वाले हैं 23 सितंबर 2023 से एशियंस गेम 2023 का जो है आयोजन होने वाला है। और इंडिया की तरफ से इसमें 634 प्लेयर्स जो है वो भाग ले रहे हैं। 634 प्लेयर्स भाग ले रहे हैं। कब शुरू हो रहा है एशियन गेम 2023? 23 सितंबर से, याद रखेंगे। बहुत ही ज्यादा चर्चा में सन की स्टडी या सन के अध्ययन को करने के लिए भारत ने जो है अगला 2 सितंबर को आदित्य L1 मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है। और ये जो है ऐसा करने वाला भारत में ये जो है एक तरह से इस सन को लेकर जो है पहला मिशन है ये। ठीक है, तो याद रखेंगे आदित्य L1 मिशन लॉन्च कर रहा है कौन? इसरो। ठीक है, इसरो ने जो है लॉन्च किया और ये कब होगा? 2 सितंबर को जो है लॉन्च होगा। 2 सितंबर को ये आदित्य L1 मिशन जो है वो लॉन्च होगा। तो ये भी हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट इनवॉइस इंटेंसिव स्कीम, भारत सरकार इनवॉइस इंटेंसिव स्कीम यानी कि एक तरह से इनवॉइस प्रोत्साहन स्कीम किस नाम से शुरू कर रही है? तो वो है मेरा बिल मेरा अधिकार के नाम से। मेरा बिल मेरा अधिकार के नाम से भारत सरकार इनवॉइस इंसेंटिव स्कीम को जो है शुरू कर रही है। इंसेंटिव है ये, थोड़ा सा करेक्ट कीजिएगा, इंसेंटिव प्रोत्साहन वाला इंसेंटिव। ठीक है, तो इनवॉइस इंसेंटिव स्कीम जो है भारत सरकार किस नाम से शुरू कर रही है? मेरा बिल मेरा अधिकार के नाम से जो है ये शुरू कर रही है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ब्रिक्स की बात करें थोड़ा सा देखेंगे। मैंने
पिछली क्लास में भी बताया था, ब्रिक्स समिट जो है वो कौन सा समिट है प्यारे बच्चों, इस बार वो जो है 15वां संस्करण है, जो कि जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हो रहा है, और इसकी जो है अध्यक्षता जिस भी देश में आयोजित होता है उसका प्रधान जो है इसकी अध्यक्षता करता है, तो ब्रिटिश यानी कि ये कहाँ पे हो रहा है, साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट कौन है, सिरिल रामफोसा जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, तो ये भी आप लोगों को जो है पता होना चाहिए। और हाल ही में इसमें जो है 6 नए देश जुड़ रहे हैं, जो कि 1 जनवरी 2024 से जुड़ जाएंगे, फिर इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रिक्स प्लस। कब होगा, जब 6 देश जो है इसमें जुड़ेंगे, और कब से जुड़ रहे हैं ये 6 देश, 1 जनवरी 2024 से। ब्रिक्स के फुल फॉर्म ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक से नाम, ब्रिक्स बैंक का एक अपना बैंक है जिसे एनडीबी बोलते हैं, ठीक है। ब्रिक्स का बैंक का क्या नाम है, एनडीबी, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, या न्यू डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं उसे, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है प्यारे बच्चों, संघाई चाइना में, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 15 जुलाई 2014 को, ठीक है। अगर मैं बात करूं ब्रिक्स को इस्टेब्लिश कब किया गया था, तो इसे इस्टेब्लिश किया गया था जून 2006 में, ठीक है। तो ये जो है कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो आप लोगों तक जो है पहुंचाना मेरा जो है एक तरह से परम कर्तव्य था, तो आई होप आप लोगों को जो है अच्छा लगा होगा। क्वेश्चंस भले थोड़े हों लेकिन वो इम्पोर्टेंट हो, दमदार हों, ये मेरा मेन मोटिव होता है इस मंच के माध्यम से। तो आप लोग जो है स्टिकी नोट्स जरूर बनाएं, और आशा करूँगा आप सभी लोग जो है खूब अच्छे से एंजॉय करके पढ़ाई कर रहे होंगे। एंजॉय करके पढ़ना है, बिल्कुल तनाव टेंशन से दूर होके पढ़ाई करना है, इनसे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। इनका काम है, ये आएंगी जाएंगी, इसके बिल्कुल जो है इग्नोर करिए टेंशन को, और टेंशन रहित, टेंशन फ्री होकर पढ़ाई कीजिए। कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।